फ्रेंड्स मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं माय चैनल कुक फूड पैराडाइज। तो फ्रेंड्स आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूं बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी जो कि है तंदूरी चिकन। इसे बनाना बहुत ही आसान है और इसे मैं आज बिना तंदूर या बिना ओवन के बनाऊंगी। ये जितना तंदूर या ओवन में जितनी डिलीशियस और टेस्टी बनती है उतना ही हमारे कढ़ाई में भी बनेगी और इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसे हम बहुत ही आसान तरीके से घर पर बना सकते हैं। और फ्रेंड्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं इसे बनाते कैसे हैं। तंदूरी चिकन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले 1 kg चिकन लिया हुआ है जिसके मैंने बड़े बड़े पीसेस करवाए हुए हैं। यहाँ पे मैंने 4 tablespoons दही लिया हुआ है। यहाँ पे मैंने हंकर्ड लिया हुआ है। हंकर्ड का मतलब होता है गाढ़ा दही, इसमें पानी बिल्कुल नहीं है। इसमें 1 tablespoon मैंने बटर लिया हुआ है। 2 tablespoons मैंने ऑयल लिया है। नमक आप टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। मैंने यहाँ 1 teaspoon लिया हुआ है। यहाँ पर मैंने 1/4 teaspoon मैंने फूड कलर लिया है। 1 tablespoon मैंने लेमन जूस लिया हुआ है। 2 tablespoons मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। और यहाँ पे हमें कुछ मसाले चाहिए होंगे जिसमें है रेड चिली पाउडर मैंने 2 tablespoons लिया हुआ है। 1 teaspoon मैंने काली मिर्च ली हुई है। 1/2 teaspoon मैंने टर्मरिक पाउडर लिया हुआ हल्दी। 2 tablespoons मैंने धनिया पाउडर लिया हुआ है और 1 teaspoon मैंने जीरा पाउडर लिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम पहले सबसे पहले सारे पीस चिकन के पीसेस में इस तरह से कट्स कर लेंगे। कट्स हमारा जितना अच्छा होगा उतना ही हमारा तंदूरी चिकन बहुत ही इसमें मसाला और जूसी बनेगा, इसलिए इसमें कट्स बहुत ही अच्छे से और डीप कीजिए। और तंदूरी चिकन बनाने का टेस्टी बनाने का हमारा सबसे अच्छा तरीका है इसका मैरिनेशन। जितना अच्छा हमारे चिकन का मैरिनेशन होगा तंदूरी चिकन उतना ही टेस्टी और लाजवाब बनेगा। इसके कट्स हमें बहुत ही डीप करने हैं ताकि सारे मसाले इसमें अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाए। यहाँ पे सारे पीसेस में मेरे अच्छे से कट्स हो चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करते हैं। यहाँ पे चिकन को हमें 2 तरह से मैरिनेट करना है। सबसे पहले तो हम इसमें डालेंगे लेमन जूस, सॉल्ट जो कि आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, और जिंजर गार्लिक का पेस्ट। इन सबको मैं अच्छे से इसे मिला लूंगी। एक तरह से बोलिए तो इसे मैं इसका चिकन का मसाज करूंगी। इसके सारे कट्स में अच्छे से मसाले जाने चाहिए। सारे पीसेस में हमारा अच्छे से कोट हो चुका है तो इसे मैं 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूंगी। अब हमारा यहाँ पे चिकन फर्स्ट मैरिनेशन हो चुका है तो चलते हैं सेकेंड मैरिनेशन की तरफ। तो सबसे पहले इसमें मैं डाल रही हूँ दही। उसके बाद मैंने जो सारे स्पाइसेस दिए थे वो इसमें हम डाल देंगे। फूड कलर जो हमने लिया था वो भी डाल देंगे। ऑयल हम अभी नहीं डालेंगे, लास्ट में डालेंगे जब हमारा मैरिनेशन कंप्लीट हो जाएगा तब। ऑयल हम इसलिए अभी यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ऑयल डालने से हमारा चिकन का पोर्स क्लोज हो जाता है जिससे मैरिनेशन अच्छा नहीं होता है। सारे चिकन को हम अच्छे से मसाज करेंगे। अब इसे हम 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। अब हमारा 1 घंटा हो चुका है तो हमारा चिकन भी बहुत अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। आप चाहे तो इसे और देर तक मैरिनेट कर सकते हैं लेकिन मिनिमम 1 घंटा हमारा काफ़ी है चिकन को मैरिनेट करने के लिए। तो चलिए इसका नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन को गर्म कर लेंगे। तो नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करने से पहले हम जो ऑयल था वो इसमें मिक्स कर देंगे। ऑयल को मैं अभी इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि पहले ऑयल डालने से हमारा चिकन का पोर्स क्लोज हो जाता है जिससे मैरिनेशन अच्छी नहीं होती है, इसलिए हम ऑयल को लास्ट में इंक्लूड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हमारा पैन अच्छे से गर्म हो चुका है तो इसमें मैं डाल रही हूँ बटर।
बटर को मैं अच्छे से मेल्ट कर लूंगी। बटर हमारा अच्छे से मेल्ट हो चुका है, तो हम चिकन के पीसेस को इसमें डाल देंगे। अब हम इसे ढककर पकाएंगे, जैसे कि इसका एक साइड से थोड़ा गोल्डन ब्राउन जैसा ना हो। एक साइड गोल्डन ब्राउन होने के बाद ही हमें इसे पलटना है, तो इसे ढक देते हैं। अब 5 मिनट के बाद हम चिकन के पीसेस को पलट देंगे। इसमें हमारे ग्रीन मार्क्स आने स्टार्ट हो चुके हैं। दूसरे साइड भी हम अच्छे से इसे पका लेंगे। इसे हम लो मीडियम पे ही पकाएंगे, जब तक कि हमारा चिकन अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए, और उसके बाद हम चलाकर इसे फिर से ढक देंगे। इसको हम फिर से एक बार पलट देंगे दूसरे साइड। ऐसे चिकन को हम चेक कर लेंगे कि हमारा चिकन पका है कि नहीं। हमारा चिकन बहुत अच्छे से पक चुका है। यहाँ पे चिकन को और भी अच्छे से ग्रीन मार्क्स देने के लिए मैंने एक जाली रखा हुआ है गैस के ऊपर, जिसमें मैं अपना चिकन को इस पर सेकूंगी थोड़ी देर, ताकि अच्छे से ग्रीन मार्क्स और आ जाए। इसी तरह से हम सारे पीसेस को इसमें सेक लेंगे। यहाँ पे चिकन को और भी अच्छे से ग्रिल मार्क्स देने के लिए मैं चिकन के पीसेस को मैं डायरेक्टली गैस पे सेकूंगी, ताकि इसमें और भी अच्छे से ग्रिल मार्क्स आ जाए। इसे हमें लगातार दोनों साइड तक ऐसे ही सेकना है। बाकी के पीसेस को भी मैं इसी तरह से सेक लूंगी। यहाँ पे मैं इस चिकन तंदूरी में एक ट्विस्ट दूंगी। एक कोयले के टुकड़े को हमें ऐसे गर्म कर लेना है, जैसे कि ये रेड कलर का लाल एकदम गर्म अच्छे से ना हो जाए। और इसमें चिकन में हम स्मोकी फ्लेवर देंगे। एक बहुत ही अच्छा ये ट्विस्ट है, जिससे हमारे चिकन में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। एक तरह से बोले तो हम स्मोकी ट्विस्ट दे रहे हैं चिकन को। इसे बहुत अच्छा से हम पहले गर्म कर लेंगे। अब हमारा चारकोल अच्छे से गर्म हो चुका है, तो हम एक सिल्वर फॉइल रख के इसमें बीच में रख देंगे। और इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा ऑयल, और इसे हमें ऐसे ढक देना है। ढक कर हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए ढक कर छोड़ देंगे, ताकि इसका सारा स्मोकी फ्लेवर हमारे चिकन में आ जाए। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट के ज़रिए बताएं, और लाइक बटन प्रेस करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।